हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर इससे पहले भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था, जब आपको यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोगों ने शॉर्ट किया था आपको 1512 के लेवल पे, और यहाँ पे जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस आपको 1 पॉइंट से आपको यहाँ पे बचा था। और उसके बाद जो है आज काफ़ी अच्छा इसमें एक मूवमेंट हुआ। लेकिन अगर आप आज ध्यान से देखेंगे तो गैप डाउन होने के बाद एचडीएफसी बैंक में आज ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है। लास्ट टाइम में आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन जरूर आया, बट यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद ये आपको इसी रेंज में वॉलेटाइल रह गया। यहाँ पे जो है ज़्यादा आपको मूवमेंट हुआ नहीं, जितना आपको बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड जो है ऑलमोस्ट आपको 1:1 के प्रॉफिट में अभी चल रहा है। टारगेट जो है हम लोगों का 1560-1565 के लेवल पे जो है हम लोग 1465 के लेवल के अराउंड जो है हम लोग वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन अभी जो है आपको 1:1 के प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन यहां पे जो है आपको एक बार और अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके वीकली चार्ट को देखते हैं, क्योंकि आपको वीक एंड हुआ है तो एक बार जो हम लोग वीकली चार्ट को देखते हैं। तो वीकली चार्ट में अगर आप यहां पे देखिएगा तो क्लियरली जो है आपको यहां पे 1500 के लेवल पे सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट में जो है यहां पे क्लियरली एक ब्रेकडाउन जो है वीकली चार्ट में भी दिख रहा है। और नेक्स्ट सपोर्ट की अगर वीकली चार्ट में बात करेंगे तो 1400 का लेवल है जहाँ पे कि आपको नेक्स्ट सपोर्ट है स्विंग लो का। और यहाँ पे जो है आपको रिसेंट के सारे स्विंग लो ब्रेक हो चुके हैं, तो 1400 के लेवल के अराउंड जो है अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है। अब हम लोग अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में भी आपको यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद आपको पुल बैक हुआ, रिटेस्ट हुआ, और यहाँ पे जो है आज आपको फिर से रिसेंट स्विंग लो ब्रेक हो चुका है। 1500 के नीचे स्टॉक जो है आपको क्लोजिंग दे चुका है। तो इसलिए जो है स्टॉक आपको डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों चार्ट में एक अच्छा बियरिश दिख रहा है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो बीच में कहीं पे भी स्विंग सपोर्ट नहीं है, सीधा आके आपको यहाँ पे भी 1400 के लेवल पे ही दिख रहा है जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट है। तो इसलिए जो है स्टॉक के पास आपको एक अच्छा स्पेस है नीचे की साइड आने का। अब अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो है आपको आज का जो मूवमेंट हुआ है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 30 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है वन ट्रेडिंग सेशन के अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेश पोजीशन आप यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। स्टॉक वीक जरूर है लेकिन फ्रेश पोजिशन यहाँ पे जो है इनिशिएट करना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सही नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है या तो हम लोगों को वेट करना होगा एक छोटा सा पुल बैक का, या फिर आपको स्टॉक प्राइस इसी रेंज में थोड़ा सा वॉलेटाइल और हो जाए, आपको जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है नीचे की साइड आपको थोड़ा और कन्वर्ज हो जाए, उसके बाद ही जो है यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। जो लोग पहले से इस ट्रेड में बने हुए हैं वो लोग जो है इस ट्रेड में आपको अगर पोजिशन ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जब पुल बैक हो जाएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पे पोजिशन ऐड करना है, नहीं तो एज इट इज जो है आप लोग यहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 1520 के स्टॉप लॉस के ट्रेलिंग स्टॉप के साथ आप लोग वहां पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक जो है 1520 लेवल के ऊपर आपको निकल जाता है तो फिर जो है आपको वहां पे पोजीशन अपना कवर अप कर लेना चाहिए। लेकिन यहां पे जो है आपको क्लियरली एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1500 या फिर आपको 1505 के लेवल तक, और उसके बाद अगर एक बियरिश साइन आपको यहाँ पे दिखता है तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे फिर से फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, या फिर हम लोग एग्जिस्टिंग पोजीशन में आपको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो अगर स्टॉक फ्लो में नीचे निकल जाता है, चूंकि 1400 के नीचे आपको यहाँ पे क्लोज दिया है, तो इसलिए 1500 के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉक जो है ऑलरेडी क्लोज दे चुका है। वीकली और डेली चार्ट दोनों में आपको क्लियरली बियरिश दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर फ्लो में निकल जाता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको पुल बैक मिलता है और फिर अगर आपको एक अच्छा पोजीशन यहाँ पे बियरिश ट्रेंड दिखता है या फिर आपको कोई भी बियरिश साइन दिखता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है आप लोग यहाँ पे अगर 1500 के राउंड शॉर्ट कर सकते हैं तो 1520 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो है आपको नीचे की साइड जो है एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और कैसे अपने पोजीशन को आप वहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं।
लेकिन लेवल्स जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है। जो आपको अगर फ्लो में निकल जाता है, सपोज गैप डाउन ओपन हो जाता है मंडे को 1470 1460 के लेवल के राउंड, तो फिर आपको वेट करना चाहिए बिल्कुल पुल बैक का। या अगर फ्लैट भी खुलता है तो भी आपको वेट करना है एक पुल बैक का, और पुल बैक के बाद ही अगर मूविंग एवरेज के आपको नियर अबाउट आता है तो ही आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। अगर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। या फिर आप लोग जो है यहाँ पे लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, 1505 1506 के अराउंड या फिर 1500 के अराउंड अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।